ये भगवान गणेश की वंदना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मुस्लिम लड़कियों से गणेश आरती, गणेश वंदना करवाई जा रही है। ये मामला दक्षिण कश्मीर से सामने आ रहा है। दक्षिण कश्मीर के पहलगांव में एक सरकारी स्कूल में मुस्लिम लड़कियों से गणेश आरती करवाई जा रही है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको दिखेगा कि एक लड़की, मुस्लिम लड़की, हिजाब पहने हुए लड़की जो है माइक पर गणेश वंदना करती है और सामने बैठी दूसरी लड़कियां उस लड़की को दोहराती हैं। इसके बाद लड़की जो है वो बताती भी है कि हमने उस गणेश वंदना में क्या बोला है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर आपत्ति जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों से गणेश आरती पढ़ाने का क्या मतलब निकलता है, वो भी स्कूल में। इससे पहले भी एक और मामला सामने आया था कश्मीर का, कि कश्मीर में किस तरह से मुस्लिम लड़कियों से जो है वो हिंदू पूजा पाठ जो है वो करवाया जा रहा है। हिंदू जो पूजा पाठ वंदनाएं होती हैं वो गवाई जा रही हैं और यहाँ पर भी यही मामला सामने आया है। सवाल ये है कि अगर इसका उल्टा होता, अगर यहाँ पर मुस्लिम की जगह हिंदू लड़कियां होती और उनसे कुछ इस तरह का पढ़ने के लिए कहा गया होता और वीडियो वायरल होता, तो उसके बाद अब हंगामा देखते। हालांकि इस पर तो तमाम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, नफरती चिंटू गोडी मीडिया के पत्रकार इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर इसका उल्टा होता तब आप तमाशा देखते कि इसे लेकर किस तरह से जो है बड़ा मुद्दा, नेशनल इशू इसे घोषित कर दिया जाता। क्या पूरा मामला आ रहा है वो मैं मामला आपको बताऊंगी। अब अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, इस ट्वीट में वीडियो शेयर किया है द मुस्लिम ने, इस वीडियो को शेयर किया है और यहाँ पर जानकारी देते हुए लिखा है कि लोकेशन पहलगांव दक्षिण कश्मीर, यानी कि दक्षिण कश्मीर पहलगांव का ये पूरा मामला है। मुस्लिम लड़कियों से कराई जा रही है गणेश आरती, मुस्लिम लड़कियों का किया जा रहा है ब्रेन वॉश। ये मामला सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सल्लर की मुस्लिम छात्राओं से गणेश आरती करने के लिए कहा जाता है। आगे उन्होंने लिखा है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना, पढ़ने से भावना जो है वो आहत होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कश्मीर का मामला है, सरकारी स्कूल है और मुस्लिम लड़कियों से स्कूल में गणेश आरती करवाई जा रही है। वीडियो आपको दिखाते हैं, वीडियो का पहला हिस्सा देखिए जिसमें आप जो है वो लड़की गणेश आरती पढ़ रही है, गा रही है, कुछ भी आप कह सकते हैं। माइक पर आपको वो लड़की दिखेगी और उस लड़की के पास कई और लड़कियां खड़ी हैं और वो लड़की जो कह रही है बाकी बैठी लड़कियां भी उसे दोहरा रही है। देखिए वीडियो। तो ये गणेश आरती आपने सुनी जो लड़की पढ़ रही है माइक पर और दूसरी बैठी लड़कियां जो हैं वो दोहरा रही हैं। एक और वीडियो देखिए जिसमें वो लड़की, फिर से सुनिए कि वो गणेश आरती गा रही है, उसके बराबर में कई सारी लड़कियां बैठी हैं, उसके बराबर में टीचर्स भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और कोई इस पूरे मामले का वीडियो बना रहा है। देखिए वीडियो। अब जिस स्कूल में ये करवाया जा रहा है वो सरकारी स्कूल बताया जा रहा है, दक्षिण कश्मीर के पहलगांव का सरकारी स्कूल बताया जा रहा है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई की वजह इस तरह से गणेश आरती करवाई जा रही है, वो भी मुस्लिम लड़कियों से, जिसे सोशल मीडिया पर लोग ब्रेन वॉश का नाम दे रहे हैं। अब ये स्कूल भी वीडियो में आप देखिए, जिसने वीडियो बनाया है उसने स्कूल का नाम भी लिया है, जिसमें आपको स्कूल का नाम साफ साफ दिखाई देगा और नीचे स्कूल की लोकेशन भी लिखी है। देखिए वीडियो। अब ये सब कुछ आपने देखा, अब आप वीडियो का वो हिस्सा सुनिए जो सबसे अहम है। इस वीडियो में जब टीचर लड़की से पूछता है कि आपने क्या गाया, ये क्या था, तो वो मुस्लिम लड़की बताती है कि ये गणेश आरती है, गणेश वंदना है, आरती है, जिसे आप पूजा कह सकते हैं, पूजा में ये गणेश आरती जो है वो पढ़ी जाती है, गाई जाती है। इसका मतलब भी वो आगे आपको बता रही हैं। सबसे पहले तो वीडियो का वो हिस्सा सुनिए जिसमें लड़की खुद बता रही है कि ये गणेश आरती मैंने गाई है। देखिए वीडियो। अब
अब वीडियो का वो हिस्सा देखिए जिसमें लड़की बता रही है कि जो गणेश आरती गणेश वंदना उसने पढ़ी है उसका मतलब क्या है, उसमें उसने क्या कहा है। वो बता रही है कि हम ये कह रहे हैं गणेश आरती में जो गणेश आरती उसने पढ़ी है उसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले जो है वो गणेश की पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश को पूजते हैं। ये मुस्लिम लड़कियां बता रही हैं, मुस्लिम लड़कियों से स्कूल में ये सब करवाया जा रहा है। वीडियो देखिए। ये भगवान गणेश की वंदना है। तो ये पूरा मामला आपने देखा, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी स्कूल में आप दूसरे धर्म की आरती पढ़ने के लिए बच्चियों को इस तरह से मजबूर कर रहे हैं, इस तरह से उन पर दबाव बना रहे हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, शिक्षा इकट्ठी करने जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, क्या वहाँ पर आरती सीखने जाते हैं, गणेश आरती पढ़ने जाते हैं, हिंदू रीति रिवाज सीखने जाते हैं। अगर दोस्तों इसकी जगह ये मामला थोड़ा सा उल्टा होता, अगर इसे थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए जिसमें आपको ये मुस्लिम लड़कियां दिख रही हैं, इन मुस्लिम लड़कियों की जगह इन्हें हिंदू लड़कियां कर दीजिए और यहाँ पर गणेश आरती की जगह ये कलमा पढ़ रही होती या और कोई धुआं पढ़ रही होती या और कोई चीज जो मुस्लिम रीति रिवाज से संबंध रखती हैं, अगर वैसा कुछ कर रही होती तो उसके बाद आप हंगामा देखते। एक मामला मेरे ध्यान में आ रहा है, मध्य प्रदेश का मामला था, मध्य प्रदेश के दमोह जिले का यह मामला था जिसमें एक स्कूल में हिंदू लड़कियों को यह आरोप लगाया कि इन्होंने पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहना दिया। उस मामले पर जमकर राजनीति हुई, उस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने खूब रोना रोया, यहाँ तक कि मामले का संज्ञान खुद सरकार ने लिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी तो ऐसा कोई मौका छोड़ती ही नहीं है, आप जानते ही हैं, हिंदू वोटर को लुभाने के लिए उसे चाहे जो करना पड़े वो करती है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जो स्कूल का मामला सामने आया उस पर सरकार भी कूदी, सरकार ने भी उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी, यहाँ तक कि स्कूल में जांच के आदेश दे दिए। लेकिन क्योंकि ये मामला मुस्लिम लड़कियों के साथ है, मुस्लिम लड़कियों से गणेश आरती पढ़वाई जा रही है, तो इसमें ना तो सरकारें कुछ बोलेंगी ना ही कोई और कुछ बोलेगा। गोदी मीडिया ने भी दमोह का मामला जो है वो खूब जोरों शोरों से उछाला था, लेकिन इस मामले पर तमाम गोदी मीडिया के एंकर जो हैं वो खामोश रहेंगे क्योंकि इस पर उनकी नफरती रोटियां जो है वो नहीं सिकेगी। अब आप सोचिए कि किस तरह से एक विशेष समुदाय की महिलाओं उनकी लड़कियों को किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और स्कूल जहां पर लड़कियां तालीम हासिल करेंगी, ज्ञान हासिल करेंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी, वहां पर इनसे गणेश आरती पढ़वाई जा रही है, गणेश आरती करवाई जा रही है। लड़की साफ बता रही है कि हमने गणेश वंदना पढ़ी है, उसमें क्या है, गणेश की सबसे पहले पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश को पूछते हैं, गणेश की पूजा करते आए हैं, सबसे पहले गणेश की ही पूजा होती थी, इस तरह से वो बता रही है, तो उन बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा? सोशल मीडिया पर लोग जो है इसे ब्रेन वॉश का नाम दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती पूजा करवाई जा रही है, ये गलत चीज है, ऐसे में इस तरह की चीजों पर रोक लगानी चाहिए और उनके जो माता पिता हैं लड़कियों के उन्हें भी कोई कड़ा संबंध लेना चाहिए, कड़ी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। कुछ कॉमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें कोई कह रहा है कि इनके गार्जियन कहाँ है, इनको मालूम नहीं है उनके बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती पूजा करवाई जा रही है, तो कोई कह रहा है कि बुलडोजर कहाँ पर है, बुलडोजर रेडी किया है किसी ने, तो कोई यहाँ पर कह रहा है कि एकदम गैर कानूनी काम है, तुरंत इसके प्रिंसिपल को अरेस्ट करना चाहिए। यह कोई मामला प्राइवेट स्कूल का नहीं है, यह मामला सरकारी स्कूल का है। सरकारी स्कूल में जहां आपको अच्छा यहां पर अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो में दिखेगा कि चारों तरफ मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहने बैठी हैं, बुर्का पहने बैठी है, वहां पर कोई हिंदू नहीं है कि कल को ये तर्क दिया जाए कि वहां पर हिंदू लड़कियों के लिए इस तरह से गाया जा रहा था, हिंदू लड़कियों के लिए गणेश आरती जो है वो पढ़वाई जा रही थी। पहली बात तो ये कि स्कूल में आप धार्मिक चीजें लेकर नहीं आते, आप जो है स्कूल में शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हो, तो वहां पर गणेश आरती गणेश वंदना करने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, वहां पर तमाम मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हैं, तो ऐसे में मुस्लिम लड़कियों से गणेश वंदना पढ़ाने का क्या मतलब है? जबरदस्ती उनसे पढ़वाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, उनके दिमाग में गलत चीजें डाली जा रही हैं, उनको अपने धर्म से अलग किया जा रहा है, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आप मुस्लिम लड़कियों से गणेश आरती पढ़वाने को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।